उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सहारनपुर के जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवार ने शिवभक्त कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर द्वारा गगहेरी से घटागढ़ तक कावड़ मार्ग पर पुष्प वर्षा की है। इसी दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से कावड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान के साथ ही निर्देश भी दिए गए हैं। जनपद के सभी शिवालयों में साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा के बीच पुख्ता इंतजाम कर रखे जाएंगे ताकि जल चढ़ाते वक्त किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस अवसर पर अलग अलग राज्यों को जा रहे शिव भक्तों का अभिवादन कर उनकी पवित्र कांवड़ यात्रा के सकुशल सम्पन्न होने की कामना की गई है। ज्ञातव्य है कि जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा शुरू होने के पहले दिन में ही शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ ही उन्हें हर प्रकार की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुस्तैद रहे और जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा स्वयं प्रतिदिन कावड़ मार्गों एवं शिवर का निरीक्षण भी किया गया है। इसी का परिणाम है कि विभिन्न राज्यों से आने व एवं जाने वाले शिव भक्तों ने शासन एवं प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था की सराहना की है, क्योंकि आज पीक पर है कावड़ यात्रा। कल जलाभिषेक होगा विभिन्न शिवालयों पर और सभी कावड़िए हैं इस समय अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए निकल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने गागलहेड़ी तिराहे से लेकर शहर के मध्य से घंटाघर होते हुए सरसावा तक पूरा रूट जो हमारा मुख्य रूट है उसका पूरा भ्रमण किया है और देखा है कि किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई मूवमेंट जो है वो ट्रैफिक की हो या फिर कावड़ियों की हो उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं हो रहा है और सभी चीजें ठीक पाई गई हैं और लगातार हमारे सभी अधिकारी मुस्तैदी से तैनात हैं। हमारे मजिस्ट्रेट हमारे पुलिस के अधिकारी वो 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी फंक्शनल है। कल लगभग 10 बड़े शिवालय हैं मंदिर हैं जहां पर जलाभिषेक कल दोपहर से जो बताया गया है कि मुहूर्त है प्रारंभ होगा और उस समय हमारी सभी मंदिरों पर भी ड्यूटीज रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था स्थिति उत्पन्न ना हो। तो देखिए ये उसी कार्यक्रम का हिस्सा था मुख्य जो इसमें सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये पूरा निरीक्षण किया है और कार्यक्रम सेवा व्यवस्था शिवालय जितने भी शिवालय हैं इसमें जैसे सबसे बड़ा जो हमारा अधिक संख्या में जो लोग आते हैं वो भूतेश्वर महादेव मंदिर है और इसके अतिरिक्त लगभग टोटल 10 मंदिर हमने चिन्हित किए हैं जहां पर हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस तो रहेंगे रहेंगे, साथ में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स रहेंगे जो कि जितने भी श्रद्धालु हैं जो जलाभिषेक करने आएंगे उनको एक व्यवस्थित रूप से लाइन में अंदर लेकर आए और व्यवस्थित रूप से ही बाहर भी निकालते रहे। साथ ही साथ सभी मंदिरों पर हमारी टीम रहेगी नगर निगम और पंचायती राज की जिनके द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि कहीं पर भी कोई गंदगी इकट्ठी ना हो और वहां पर आवश्यकता के अनुसार पीने के पानी की और शौचालयों की भी आपूर्ति लोगों ने की।